दोस्तों कई बार एक सवाल आता है कि जब एडल्ट्री क्राइम है ही नहीं तो फिर शादी का मतलब ही क्या है, क्या इनका कोई इलाज होता है? बिना तलाक लिए छोड़ देते हैं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी है, तो क्या इनका कोई इलाज कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या इन पे कोई केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? काफी महत्वपूर्ण सवाल है और काफी लोगों की दिक्कत क्रिएट होती है। मान लीजिए एक पक्ष इसमें होनेस्टली है, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, लेकिन दूसरा पक्ष अगर बिना डाइवोर्स लिए किसी और के साथ चले जाता है, मतलब एडल्ट्री में चला जाता है, लिव इन रिलेशनशिप में चला जाता है, तो वो सही रहने वाले की भी जिंदगी बिना वजह से उसकी खराब हो जाती है। तो ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखा सकते हैं? देखो 497 खत्म हुआ है, ठीक है भाई। 497 में पहले सजा थी 5 साल तक की, लेकिन वो भी पति पक्ष को होती थी, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया। क्या इसके बाद भी कोई, जब ये लोग एक ही धमकी देते हैं कि साहब एडल्ट्री तो खत्म हो गया, हमको तो कोई अब थोड़ी डर है, मुझे नहीं रखना तो नहीं रखना, कोर्ट में जबरन थोड़ी रख सकते हैं, कोर्ट जबरदस्ती तो रख नहीं सकता, नहीं रखना, तो क्या वाकई किसी से खेल के, पूरी जिंदगी से खेल के कोई ऐसे कर सकता है? क्या इनका कोई सबक सिखाने का तरीका नहीं है? तो ऐसी बात नहीं, इनका इलाज जरूर होगा। मैं आपको आज का वीडियो बताता हूँ, ऐसे केस बताता हूँ जो कोई भी एडल्ट्री में है, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, आप ये इलाज इनका जरूर कर सकते हो। सबसे पहला मैं पत्नी को ले लेता हूँ। मान लीजिए बिना तलाक पत्नी किसी के साथ रह रही है, तो पति की तरफ से अच्छे केस बनते हैं। जी हाँ, पहला केस तो उस वाले थर्ड पार्टी जिसके साथ जो बॉयफ्रेंड है, चाहे कोई भी है, चाहे वो प्रेमी है कोई भी है, उसके साथ रह रही है ना, तो उसको एक षड्यंत्र वाले केस में फंसाओ। पहली बात 498 का केस करिए उस पर, कि मेरी वाइफ को बहला फुसलाकर अपने पास रख रहा है वो और मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। ये होता है 498 IPC का केस, क्रिमिनल केस होता है। इस पर ये केस होगा तो ऑटोमेटिकली आके सच्चाई बता देगा कि साहब हम तो सहमति से रह रहे हैं, दोनों का है। अगर सहमति दोनों ने एक्सेप्टेड कर रहे हैं किसी भी तरह, लिव एंड रिलेशनशिप का भी कुछ भी बता रहा है, तो भैया आपका आराम से एडल्ट्री ग्राउंड पे डाइवोर्स हो जाएगा और आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा, इजीली में आप फ्री हो जाओगे, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर चली गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि शादीशुदा महिला कहीं भी रह रही है, तो उसमें 494 का भी केस कर सकते हो आप। सच्चाई होगी, 494 का केस होगा पुलिस थाने से, तो उसके बाद आएंगे जवाब देने तो आना पड़ेगा, उनको नोटिस जाएगा, तो उसके बाद वो एक्सेप्ट करेंगे आके कि भैया तो हम शादी नहीं की, हम तो एडल्ट्री में रह रहे हैं, तो भैया वहाँ पे भी आपको फायदा मिलने वाला है क्योंकि आप इससे डाइवोर्स में फ्री हो सकते हो। ग्राउंड बनाना पड़ेगा भैया आपको, सबसे बेस्ट बात है, आपको ग्राउंड बनाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। दूसरा केस हो गया 494 का। तीसरा केस मान लीजिए बाई चांस कहीं मंदिर से, उन्होंने देखो कहीं भी सोसाइटी में रहती है तो पति पत्नी जरूर बताते होंगे वो लोग, ऐसी बात नहीं है। अब अचानक ऐसे तो कोई रहेंगे नहीं, कहीं रह रहे हैं कि पति पत्नी के तौर पर जरूर बताएगी, कहीं बार छुपा भी लेती है लेडीज, कोई भी पार्टनर होता है, अभी मैं लेडीज की बात कर रहा हूँ, आगे चल के मैं पत्नियों की बात करूंगा, तो कई लेडीज छुपा भी लेती है और उसको पता ही नहीं रहता कि पहले से शादीशुदा थी या इसका डाइवोर्स हुआ नहीं हुआ। जब उसको पता पड़ता है तो वो खुद 420 का केस करेगा, 495 का केस करेगा, भाई उधर से भी फंस जाएगी। अगर शादी कर लिया तो शादी अनवैलिड मानी जाएगी, कोई फायदा नहीं। 5 या 6 केस ऐसे बनते हैं जिसमें उसकी जिंदगी पूरी नर्क बन जाती है, कहते हैं ना तो घर का ना गांठ का, कहीं की नहीं रह पाएगी अगर आप ये केस कर देते हो तो। बस आपको एक्टिव रहना है और केस प्रॉपरली तरीके से करना होता है। तो पति ये केस कर सकता अपनी पत्नी पे, अगर बिना डाइवोर्स लिए उसे आप पे केस, आपसे दूर चली गई किसी एडल्ट्री में या किसी के साथ सेकंड मैरिज कर लिया। तो अब आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ पतियों के लिए, पत्नियां की। मान लीजिए कोई पति एडल्ट्री में है और पत्नी के पास बाल बच्चे छोड़ के चला गया, तो भैया सबसे पहले तो आप उस पर ये केस करिए। क्या कौन सा केस करोगे? सबसे पहले पार्टनर को आप थर्ड पार्टनर पे हमेशा उसको ऐड किया करो, जो भी जैसे कोई महिला है उसको पता है कि आप शादीशुदा नहीं है, अगर उसके पास नोटिस जाएगा तो कहीं पर होते ना आपके हस्बैंड जो होते हैं वो छुपा लेते हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ को सामने लाने की कोशिश करो आप हमेशा, ठीक है कि भाई ये मेरा पति है और मेरे पति के लिए जानबूझ के लिए षड्यंत्र रच रही है, मेरी लाइफ खराब कर रही है, लाइफ ऑफ डैमेज कर रही है। आप ये लाइफ ऑफ डैमेज का दोनों भी केस कर सकते हो, सिविल सूट का केस होता है, आराम से कंपेंसेशन देना पड़ेगा। अगर षड्यंत्र करके आपके फंसाया, जाल साजिश करके फंसाया कि उसको पहले से पता था कि ये शादीशुदा है, तो इसमें भी आप अच्छे से इसको फंसा सकते हो। तो आगे चलकर मैं बताता हूँ ये वाला केस आप कर सकते हो, अगर शादी कर लिया तो वही 494-495 का केस कर सकते हो। ये करने के बाद अगर आपका पति को उसको छुपा के किया तो वो 420 करेगी और 300 का केस भी करेगी, 495 करेगी। तो भैया इन पे केस होने के लिए काफी केस होते हैं, तो दोनों तरफ से फंस जाओगे, इनकी जिंदगी बहुत खराब हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कौन कौन से केस आप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, इनका इलाज है, करने वाला चाहिए, इनका इलाज अच्छा वाला हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय।